अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू बुकनॉलोजी। आज मैं आपके लिए डाइट मील की रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम हेल्दी भी होगा और बेहद टेस्टी भी। आज मैं चिकन बनाऊँगी कलरफुल बेल पेपर्स के साथ। आप गूगल करके देख सकते हैं कि कलरफुल बेल पेपर बेहद हेल्दी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट रेड वाली होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। 3 से 4 खाने के चम्मच लिए हैं मैंने देसी घी के। आप इधर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है जिसको इस तरीके से मैंने क्यूब्स की सूरत में काट लिया है जी। इसको अभी मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। अभी जो मील रेडी हो रहा है ये 5 से 6 सर्विंग है, इसको सारा एकदम नहीं खा जाना। इसको आप बना के रख सकते हैं और 5 से 6 टाइम यूज़ कर सकते हैं। चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है, अब इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 ही खाने के चम्मच इसमें शहद जाएगा। शहद डालने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। अच्छा, ये डाइटरी मील आप लंच और डिनर दोनों में ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस या काम पे लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, ये एक बड़ी साइज़ की प्याज को जिसको इस तरीके से मैंने मोटा मोटा काट लिया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कुक करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च, मेरे पास ये 4 कलर्स की शिमला मिर्च है। कलरफुल कैप्सिकम के बेहद फ़वाद हैं, लेकिन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी तकरीबन 500 ग्राम ही है। बस अब 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी हाई फ्लेम पे, इस तरीके से मिक्स करते हुए। देखें, बहुत ही कलरफुल, डिलीशियस, यम्मी, टेस्टी और बहुत ही हेल्दीएस्ट मील रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।